नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा। 379 दिनों का संग्राम, कृषि कानूनों पर सरकार से सीधी मोर्चाबंदी और तमाम मुश्किलों को झेलने के बाद किसानों का आंदोलन अब अपने सुखद मंजिल पर पहुंच गया है। पहले सरकार ने कदम वापस खींचे और फिर किसानों ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया और इसी का नतीजा है कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर अब किसानों के जमावड़े खाली होते जा रहे हैं। आज सुबह से ही यहाँ जश्न का लंबा दौर चला, मिठाइयाँ बांटी गईं, नाच गाना हुआ और फिर घर वापसी का वो कारवा आगे बढ़ा जिसका इंतजार देश को लंबे समय से था। से दिन बाद दिल्ली में गूंजा जय किसान। दिल्ली की सरहदों से किसानों की घर वापसी। जीत के जश्न में डूबे किसान। लौटते जत्थों ने जमकर मनाया विजय उत्सव। किसान आंदोलन का पहला अध्याय खत्म। यह जश्न है किसानों का, उन कानून की वापसी का जश्न जिसके बारे में किसान मानते थे कि वो उनके हक में नहीं है। पूरे 379 दिनों तक दिल्ली की चौहद्दी पर किसान डटे रहे, सर्दी गर्मी बारिश हर मौसम झेला और जब अपनी मांगे मनवाकर माने तो जश्न में डूब गए। जगह जगह लड्डू बटे और ढोल नगाड़ों की थाप गूंज उठे, किसान जमकर थिरके और इसके साथ ही किसानों की वापसी का ये सिलसिला शुरू हुआ। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, जो पूरे एक साल से ज्यादा वक्त तक किसानों के आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ बना रहा, जहां सबसे ज्यादा हलचल थी। शनिवार को जहां जश्न का माहौल था, सैकड़ों किसान जमकर थिरक रहे थे। तमाम बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन जो कि भारत में हुआ, किसान आंदोलन, सिर्फ देश नहीं दुनिया भर की निगाहें इस आंदोलन पर टिकी हुई थी और ये आंदोलन अब अपने 380 दिनों के संघर्ष के बाद खत्म हो गया है और एक सकारात्मक तस्वीर, एक सुखद खबर यहाँ से मिल रही है, वो ये कि किसान अब खुशी खुशी अपने घर, अपने खेत खलिहान वापस लौट रहे हैं। ये वही ट्रैक्टर है जिनसे ये यहाँ पर दिल्ली तक पहुँचे थे और इस ट्रैक्टर में ही एक लंबा वक्त इन्होंने बिताया है और आज ये ट्रैक्टर अपने खेत वापस जाएगा। कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं कि ये लंबा संघर्ष उनका कैसा रहा और अब वापस जाने की भावना कैसी है। वापस जाने की भावना तो बहुत खुशी वाली है मैम, लेकिन हमें साथ में दुख भी है कि हमारे 700 साथी हैं जो वो यहाँ पे शहीद हो गए। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सबके चेहरे पर खुशी थी। जैसे दूल्हे की शादी में उसके बाप को खुशी होती है ना, उसके पापा को दूल्हे की शादी में, मतलब उतनी खुशी है। लड़के की शादी में जैसे उसके पिताजी को खुशी मिलती है, उससे भी ज्यादा खुशी आज हमें। दिल्ली जीत ले, आज जंग जीत गए, दिल्ली जीत गए, बहुत बार पहले भी जीती है, हूं हरियाणा पंजाब यूपी राजधानी दोबारा फिर जीती है। हिंदुस्तान का भाईचारा यहाँ पे एक था, 382 दिन लगे, पता नहीं किस किस सिचुएशन में से हम निकले हैं, क्या क्या हमें कहा गया है, उसके बाद भी हम जीते हैं। सिंघू बॉर्डर में इस घुड़सवार दस्ते की भी रवानगी हो गई, इस अंदाज में मानो जंग जीत ली हो। गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आई पालकी साहिब को भी पूरे श्रद्धा के साथ रवाना किया गया।
यहाँ भी क्या जवान क्या बुजुर्ग सब थिरक रहे थे। जमकर डीजे पर डांस हुआ। हम टिकरी बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद है और सुबह 8 बजे से यहाँ पर किसानों का जो काफिला है वो घर वापसी के लिए तैयार हो चुका था पूरी तरह से, और सुबह से इनका जो गुड न्यूज वाली स्माइल इनके चेहरे पर जो थी वो लौट आई है कहीं ना कहीं पे। देखिए सुबह से यहाँ पर जश्न का माहौल था, गाने बजाए जा रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, एक दूसरे से गले लग रहे थे, फूल बरसाए जा रहे थे सभी किसानों पर। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी सभी किसान मौजूद है जो इस वक्त तैयार है अपने ट्रैक्टर के साथ। और यही हाल गाजीपुर का था जहां किसान सामान समेट रहे थे और साथ में मना रहे थे जश्न। अब जरा उन रास्तों की झलक देखिए जहां से होकर किसान घर लौट रहे थे। सोनीपत में घर लौट रहे किसानों पर फूलों की बारिश की गई। एक किसान ने तो सिर पर सहरा सजा लिया, ऐलान कर दिया कि दिल्ली ब्याह कर लाए हैं। शंभू बॉर्डर पर भी लौटते किसानों का जोरदार स्वागत हुआ, उन पर जीत की खुशी में जमकर फूल बरसाए गए। कृषि कानूनों के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर गए किसानों का घर वापसी पर पंजाब में घुसते ही किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर की आप देखिए। किस तरीके से जो किसान दिल्ली से वापस पंजाब की तरफ आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। कहीं पर डीजे चल रहे हैं, कहीं पर ढोल की थाप है, तो कहीं फूलों की वर्षा किसानों के ऊपर हो रही है। और किसान जो कि एक साल से लगातार दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे आज अपने साजो सामान के साथ वापस घर वापसी कर रहे हैं। जश्न से पहले शनिवार को सुबह से ही दिल्ली के बॉर्डर खाली कराने का सिलसिला शुरू हो गया। गाजीपुर बॉर्डर से पहले किसान जत्थे ने घर की राह पकड़ी। बिजनौर के इस किसान जत्थे को खुद राकेश टिकैत ने रवाना किया। लगभग एक साल पहले शुरू हुआ किसान आंदोलन आज से इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। इस वक्त गुरु का पाठ जो है वो किया जा रहा है, उसके बाद अंतिम अरदास की जाएगी, जिसके बाद इस पूरे मंच को जो है वो खाली किया जाएगा। लगभग एक साल से गाजीपुर बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था, जिसके बाद आज इस पूरे बॉर्डर को जो है वो शाम तक खोलने की कवायद जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि एक ऐसी तस्वीरें जो पिछले एक साल तक लगातार जारी रही इस आंदोलन के दौरान, वो तस्वीरें ये थी कि इस तरीके से पाठ, इस तरीके से किसानों का आंदोलन और सड़कों पर जो बीच हाईवे पर जो है वो किसानों का लगातार जो लंगर है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आया। सुबह से ही किसान अपने साजो सामान समेटने लगे, वापसी की तैयारी शुरू हो गई। आंदोलन से संघर्ष समाधान की तरफ गए और समाधान होकर घर की तरफ जा रहे हैं, तो एक खुशी है। अगले महीने की 15 जनवरी को एक मीटिंग है, उसमें SKM के सभी लोग उसमें आएंगे और पूरा वर्क आउट करा जाएगा कि सरकार से समझौता आया, उसमें क्या क्या हुआ, और जब तक उनके पास में भी टाइम है। और यही हाल सोनीपत में भी दिखा जहां किसान अपना सामान समेटते दिखे। किसान आंदोलन का पहला अध्याय इस तरह खत्म हुआ। बिना किसी बड़ी अप्रिय घटना के ये आंदोलन शांति के साथ खत्म हो गया। सतेंद्र चौहान, सुशांत मेहरा के साथ मल्लिका मल्होत्रा, आज तक। कहते हैं अंत भला तो सब भला। किसानों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है, किसान अपने अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन किसान कह रहा है कि लड़ाई अभी अधूरी है। आंदोलन को रोका गया है, खत्म नहीं किया गया। पंजाब के किसान 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे और किसानों की अगली नजर होगी 15 जनवरी को होने वाली बैठक पर, जब दिल्ली में सरकार के भरोसे पर कितना अमल हुआ इसको लेकर समीक्षा होगी। कुछ इस अंदाज में किसानों की वो घर वापसी हो गई जिसका इंतजार किया जा रहा था। हजारों किसान अपने घर की तरफ बढ़ चले। जीत के अंदाज में सरकार इस बात पर राहत की सांस ले सकती है कि कानून वापसी का नरम फैसला करके ही सही, लेकिन उसने किसान आंदोलन को खत्म करवा दिया। लेकिन ये मामला इतना सीधा सपाट नहीं है।
पहले आपको बताते हैं कि किसानों का आगे का प्लान क्या है। किसानों के मुताबिक वो दिल्ली के तीनों अहम बॉर्डरों को खाली कर रहे हैं। इसकी झलक शनिवार की सुबह से ही दिखने लगी, जब किसानों ने अपना सारा सामान समेट लिया। मुख्य मंच को भी हटा दिया गया। किसानों के फ्यूचर प्लान के मुताबिक 12 दिसंबर यानी कल किसान नेता चंडीगढ़ में जमा होंगे। 13 दिसंबर को किसान स्वर्ण मंदिर जाएंगे। 14 को हरियाणा पंजाब के धरने किसान नेता खत्म करवाएंगे। 15 दिसंबर को राकेश टिकैत घर लौटेंगे। 16 दिसंबर तक पूरा गाजीपुर बॉर्डर खाली। 15 जनवरी को SMK की समीक्षा बैठक। किसान नेता राकेश टिकैत की जुबानी सुनिए किसानों का पूरा फ्यूचर प्लान। हाँ, हम तो 15 तारीख में जाएंगे यहाँ से, 15 तारीख में जाएंगे, क्योंकि आज सिंगू से टिकरी से यहाँ से जाना शुरू हो गए लोग जी। और हम कल चंडीगढ़ जाएंगे, फिर अमृतसर जाएंगे 13 तारीख में। 14 तारीख में जो अलग अलग धरने हरियाणा में चल रहे उन पंचायतों में शामिल होंगे, उनको सबको समापन करवाते हुए फिर वापसी आएंगे। 14 तारीख में फिर यहीं आने का रुकेंगे। और जब तक उम्मीद है कि बहुत धरने, क्योंकि हजारों धरने देश में हैं, तो सबको घर वापसी भेजने का काम कर रहे हैं। किसानों की घर वापसी भले ही हो गई हो, लेकिन किसानों की नजर अब इस बात पर होगी कि कृषि मंत्रालय के सचिव ने जो लिखित वादे अपने पत्र में किए हैं, उन पर कब और कितना अमल हो पाता है। आंदोलन के दौरान किसानों से केस वापसी अहम मुद्दा था, जिस पर सरकार ने ठोस वादा किया है। MSP के लिए बनने वाली कमेटी पर भी किसानों की नजर रहेगी। कुल मिलाकर 4 ऐसे मसले हैं जिन पर किसानों ने सरकार पर यकीन करके आंदोलन को स्थगित किया है। ये मुद्दे हैं: फसलों की MSP, बिजली कानून, किसानों का मुआवजा। ऐसे में इस 4 मुद्दों में से किसी पर भी अगर सरकार के वादे पर अमल में हीला हवाली होती है या फिर देरी होती है, तो हो सकता है किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। किसान आंदोलन तो स्थगित हो गया, लेकिन इसके सियासी मायने क्या हैं? क्या यूपी और पंजाब के चुनाव में अब BJP को इस मुद्दे को लेकर कोई सियासी नुकसान नहीं होगा? इस आंदोलन से बड़े किसान नेता बनकर उभरे राकेश टिकैत पूरे यूपी के चक्कर लगाने का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या किसान आंदोलन की आंच सुलगती रहेगी और राजनीतिक बिरादरी को आगे भी झुलसाती रहेगी? आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। और इस तरह सरकार ने किसानों की मांगों को मानते हुए अपने कदम पीछे खींचे। किसान कानून रद्द हो गए और किसान वापस अपने घरों को लौट चले। किसान कानून का अध्याय फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन पीछे छूट गई है सियासत, जिसका सिलसिला अभी जारी है। सवाल यह है कि क्या BJP को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सियासी नुकसान का डर सता रहा था? राकेश टिकैत के तेवर बता रहे हैं कि वो किसानों के समर्थन को सियासी तौर पर साथ रखना चाहेंगे। टिकैत इरादे जता भी रहे हैं। उनका कहना है कि वो पूरे देश में घूमेंगे। अभी तो समझौते की तरफ जा रहे हैं, क्या होगा वो आने वाले टाइम पे बताएगा। अभी आने वाले टाइम पे घर पे कुछ तैयारियां आपके खास तरीके से? कुछ कोई तैयारी नहीं घर पे, तो नॉर्मल रूटीन में एक बार चले जाएंगे घर पे, क्योंकि 15 तारीख में जाएंगे, 16 तारीख से फिर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उधर प्रोग्राम है, तो 4 दिन के प्रोग्राम है वहाँ पे। 15 जनवरी को एक बार फिर किसान नेता दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, यानी सियासी तौर पर देखे तो मोदी सरकार पर अपने वादों को पूरा करने का दबाव रहेगा। किसान आंदोलन पर आरोप प्रत्यारोप अभी से शुरू हो गया है। एक ऐतिहासिक जीत हुई, एक ऐसी ऐतिहासिक आंदोलन की, एक आंदोलन जो न सिर्फ ऐतिहासिक, एक शांतिपूर्ण आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो पूरी दुनिया भर में चर्चित था, आज उस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हुई है। स्वर्णिम अक्षरों में इस आंदोलन का नाम लिखा जाएगा। यहाँ ना हार का विषय है, ना जीत का विषय है, लोकतंत्र विजयी हुआ। और मोदी सरकार और BJP किसान के हित के लिए कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है, कटिबद्ध रहेगी। BJP ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि किसान कानून को देश हित में वापस लिया गया। BJP चाहती है कि किसी भी तरीके से डैमेज कंट्रोल हो। अच्छी खबर है, क्योंकि रास्ता बंद होने से वहाँ के आसपास के लोगों में भारी आक्रोश था और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
तो ठीक है, निर्णय अच्छा निर्णय है, इसका हम स्वागत करते हैं। अब देखना ये होगा कि भविष्य में मामला क्या करवट बैठेगा, किसको नुकसान होगा और किसको नफा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। किसान आंदोलन पर हमारा खास कार्यक्रम जारी है, वक्त है ब्रेक का, लौटेंगे तो बताएंगे क्यों ये आंदोलन ऐतिहासिक रहा। आज तक।